नमस्कार दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2018 तीसरी वेटिंग लिस्ट को लेकर दोस्तों हाई कोर्ट ने विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला दिया है। यहाँ पर आप उपेन्द्र यादव का ट्वीट देख सकते हैं। रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल 2 की एक और सूची जारी करने का आदेश माननीय न्यायालय जोधपुर ने दे दिया है, जो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन अब इस आदेश को लागू करवाकर एक और सूची निकलवाने की चुनौती होगी और उस चुनौती से हम सब मिलकर बहुत जल्द जीतेंगे और कामयाब होंगे। आप सब लोग तैयार है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछले एक साल से विद्यार्थी प्रयास कर रहे थे, ठीक है। हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी और हाई कोर्ट की तरफ से दोस्तों कभी सुनवाई नहीं हो पा रही थी ठीक तरह से, कभी डेट मिल रही थी, ठीक है। तो आखिरकार दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग और सरकार को आदेश दे दिया है, ठीक है। और दोस्तों बात करें कितने पद है, तो दोस्तों रीट 2018 लेवल 2 में करीब 3,500 के आसपास पद खाली है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सामाजिक के खाली है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें लेवल फर्स्ट की, तो दोस्तों सेम यही नियम लेवल फर्स्ट में भी लागू होगा। लेवल फर्स्ट में दोस्तों कम से कम शायद 2,500 के आसपास पद खाली है, 2,500 से लेकर 3,000 के बीच। तो इस तरह दोस्तों बात करें तो करीब मान के चलिए लेवल 2 प्लस लेवल फर्स्ट दोनों में मिलाकर देखें तो करीब 6,000 पद खाली है। और दोस्तों बड़ी बात यही है कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों रीट 2016 को लेकर भी हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने लिस्ट नहीं निकाली। और इसको लेकर भी दोस्तों हाईकोर्ट ने विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला दे दिया है, लेकिन दोस्तों आपको फिर से प्रयास करना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा उपेन्द्र यादव जी के साथ मिलकर। तो लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, आपके लिए अच्छी खबर है, आखिरकार हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है तीसरी वेटिंग लिस्ट को लेकर, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।